देवघर सदर अस्पताल में एक बार फिर मरीजों की देखभाल को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। कल देर शाम सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हो गई। परिजनों का आरोप है कि दर्द से कराहते मरीज को घंटों तक प्राथमिक उपचार नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। एक रिपोर्ट देखिए। गुड्डा मुख्य मार्ग पर कल देर शाम सड़क हादसे में घायल मणिकांत ठाकुर को प्राथमिक उपचार के बाद देवघर सदर हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन सुबह उनकी मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि मृतक दर्द से कराह रहा था और सुबह में कोई नर्स ड्यूटी पर नहीं थी। नर्स की ड्यूटी 7 बजे से थी, जबकि वो 8 बजे के बाद आती हैं। परिजन को लगता है कि कोई होता तो शायद मणिकांत ठाकुर की मौत नहीं होती। एक पानी चढ़ाया था, एक लगा सुबह लगा के एक दो पानी चढ़ा और 2-4 इंजेक्शन लगा, 3 इंजेक्शन लगा, बाकी कुछ नहीं लगाया। दौड़ते रह गए हम, इधर से नीचे ऊपर, इधर जा उधर जा, कोई सुनवाई नहीं। कोई बोलता यहाँ होगा नहीं, कोई बोलता ठीक है बाहर लेके जा, हम बोले ठीक है बाहर लेके जा, अभी तो कुछ करो। सूचना मिलने पर पहुंची न्यूज 11 की टीम ने जब नर्स से बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। देवघर में काम करने वाली नर्स 25 किलोमीटर दूर से आती है। उनके आने से पहले ही रात की ड्यूटी करने वाली जा चुकी थी। नर्स कहती है कि बाइक पंचर हो गया था। हम 8:15 बजे लेट हो गया, मैं गाड़ी पंचर हो गया आने में, तो बनवाने में थोड़ा लॉकडाउन है, गाड़ी का भी दिक्कत है, तो हम मोहनपुर से आ गए बुढ़वापुरा। देवघर से बाहर है, मोहनपुर से आगे है मेरा घर। हाँ, तो थोड़ा बाइक पंचर हो गया, तो वही बनवाने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ, डॉक्टर तोहित, उन्होंने यही कहा कि वो आरटीए की केस में मल्टीपल इंजरी फ्रैक्चर, हाथ पैर वगैरह में फ्रैक्चर हो गया है और इंटरनल हैमरेज के चलते वो पेशेंट मर जाता, यही बात है। अब उनका पोस्टमार्टम होना है। सूचना मिलने पर हॉस्पिटल पहुंचे स्थानीय वार्ड पार्षद रवि राउत कहते हैं कि जब वो जानकारी हासिल की तो ड्यूटी पर कोई नहीं था। समाचार संकलन के समय तैनात डॉक्टर ने मौत की वजह हादसे को बताया। ये पहला मौका नहीं है जब लापरवाही के आरोपों के बीच किसी की जान गई हो। देवघर से न्यूज 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट।